सीएम बना देने, सीएम हम तो बोल देंगे कि नहीं जयराम दा को पीएम बना देना, तो बोलने से होगा कुछ नहीं होने वाला। विधायक जीतने के लिए मुंह चेहरा देख के, मेरा चिकन चेहरा देख के वोट थोड़े देगा, वो काम देखेगा। इसलिए 42 को विधानसभा चुनाव जीतना ये आम बात नहीं है, इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं को उस विषय पर चिंतन मंथन करके काम करना होगा, जन समस्याओं को लेकर के आगे जाना होगा। हम तो बार बार आपको बोल रहे हैं कि जब तक आप जन समस्याओं को लेकर के नहीं जाइएगा, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कीजिएगा, तो आपको वोट देने वाले नहीं। जब भी टाइगर जयराम महतो की रामगढ़ विधानसभा में जब भी एंट्री होती है तो पूरे गोला से लेकर मैंने 4-5 किलोमीटर तक बाइक के या फिर फोर व्हीलर के लाइन लग जाता है, और वहां तक कि मंच में भी हजारों लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये लोगों का आंदोलन के लिए कोई एक भी आदमी नहीं निकल रहा है, इसमें तेल खर्चा नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसे ही सभा में तो भीड़ करने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, हम इसमें आपको यही कहेंगे कि जोहार झारखंड, जय झारखंड। अभी हमारे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं, हमारे साथ हैं रामगढ़ जिला के कोर कमेटी के सदस्य पांडव कुमार महतो, जो आप लगातार देखते ही होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि लगातार आंदोलन को एक तेज धार देने में लगे हुए हैं, या फिर कहें राशन का मामला हो, या फिर कहें किसी स्कूल का मामला हो, या फिर कहें गीत संगीत के माध्यम से भी ये लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और ये हक अधिकार की जो लड़ाई है, खास करके जेबी केसेस को लेकर लगातार ये आंदोलन में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। अभी हमारे साथ पांडव कुमार महतो जी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा है जहां तक कि सबसे ज्यादा, या फिर कहें टाइगर जयराम महतो की सभा की बात हो, या फिर कमेटी का विस्तार की बात हो, या फिर आंदोलन का बात हो, लगातार देखने को मिलता है पेपर के टुकड़ों में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगातार पांडव कुमार महतो जी अकेले ही इस आंदोलन में अकेले ही है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं क्या। पांडव दा, सबसे पहले जोहार, और आपका हमारे झारखंड वाइस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप लोग जो खास करके जो भी मीडिया प्रभारी लोग हैं, जो भी मीडिया यूट्यूब चैनल या न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोग एक मैंने सरकार के चौथे स्तंभ ये होते हैं, इसलिए आप लोग के ही माध्यम से सारे लोगों को ये जानकारियाँ मिलती है। इसलिए आपको भी हम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना, आपके तमाम दर्शकों को भी हार्दिक बधाई कि जेबी केसेस का, या फिर कहें कमेटी विस्तार हो, या फिर कहें जयराम महतो की सभा को लेकर कहें, लोगों में जागरूकता देखने को हमें मिलती थी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन फिलहाल अभी देख रहे हैं आंदोलन कहीं पे किसी प्रकार का नहीं दिख रहा। जो कुछ भी रामगढ़ विधानसभा में आंदोलन देख रहे हैं हम, आप ही कर रहे हैं, उसके अलावा कहीं और आंदोलन नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो हम क्या कहें आपको, कुल मिला करके ये हम यही जानते हैं कि हम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, और हमेशा आप जानते ही हैं कि जेबी केसेस जो है एक आंदोलन की उपज है, और हमारे जेबी केसेस के जो सुप्रीमो हैं वो भी आंदोलन के चलते ही आज पूरे झारखंड में उनको लोग अपना दिलों में बसाया है। इसलिए कुल मिला करके देखिए, आंदोलन करना ही हमारा जो सबसे प्राथमिकता है, और मेरा एक्चुअली अगर कहें तो मेरा मूल उद्देश्य है जेबी केसेस में रह करके अगर यदि हम आंदोलन नहीं करें, जन समस्याओं को अगर जगह में ना लेके जाएं, तो फिर ये जेबी केसेस में रह के क्या फ़ायदा। और कुल मिलाकर के जेबी केसेस का मतलब ही आंदोलन होता है, इसलिए जो भी है अपने स्तर से, अब अगला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो हम नहीं कर सकते हैं। दादा, जब लड़ाई एक है, सब लोगों को मिल के लड़ना है, और जहां तक देखते हैं सभा वगैरह होता है या फिर कहीं पे जेबी केसेस का कुछ भी कार्यक्रम रहता है तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वही यदि जेबी केसेस का कोई एक सदस्य आंदोलन को रूपरेखा को तैयार करता है, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ता है, तो उसके पीछे लोग क्यों नहीं आते, उस तरह की एकजुटता क्यों नहीं दिखाते? देखिए, अगर नहीं दिखा रहे हैं तो वो अपना विचार हो सकता है, अब किस तरीके से अगला जैसे और भी लोग हैं वो लोग किस तरीके से चाह रहे हैं, किस तरीके से उन लोग का प्लानिंग हो रहा है कि क्या करना है नहीं करना है और कैसे जेबी केसेस को मजबूत करना है, वो तो वो जाने। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि जब तक हम जनता के आंदोलन को, जन आंदोलन को आगे लेके नहीं जाएंगे, जो भी जन समस्या है उसको हम आगे तक लेके नहीं जाएंगे, और उसके जन समस्याओं को, हमारे रामगढ़ जिला की जितने भी जन समस्या है, जन समस्याओं का जब तक हम लोग समाधान नहीं करेंगे, तो फिर हमारे जेबी केसेस से लोग कैसे जुड़ेंगे। इसलिए हमेशा मेरा ख्याल रहता है, जहाँ तक हो सके हर संभव, जितना भी हो, एक्चुअली जो भी है, जितना भी हमारे कान में आता है, मेरे संज्ञान में जो भी आता है जन समस्या, या जो भी जिस प्रकार का भी हो, आपने देखा विगत एक महीना के अंदर अंदर में, पहले ही आपने देखा कि हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन के पैतृक गाँव में, आपने देखा भी था, आपने कवर भी किया था कि वहाँ के राशन का मामला था, 2 महीना का पूरा वहाँ के लोगों को, मैंने रौरव के लोगों का राशन काट लिया गया था, और जो भी है यहाँ के जैसे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के प्रभारी एमओ भी जो थे, उन लोगों ने को भी हम लोगों ने बुलाया था, लेकिन स्पष्ट कह दिया था कि चावल नहीं मिलेगा करके, ऊपर से कम ही आया है, लेकिन आपने देखा हमने उसको मुकाम तक पहुँचाया और 2 महीना का चावल जो है लोगों को दिलाया, अभी 2 ट्रैक्टर चावल आपने देखे।
दादा, शुरुआत में हमें लगा था कि JBKCS आया है, जो जयराम महतो का पीछे जो लोगों की जागरूकता थी, जो लोग का भीड़ देखने को मिलता था, लग रहा था कि कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमें तो नहीं लग रहा है। अब पूरे के पूरे राजनीतिक दौर में आ गया है और सिर्फ और सिर्फ चुनाव का प्रचार हो रहा है, तो क्या चुनाव के प्रचार से JBKCS को समर्थन मिलने वाला है? ऐसे ही देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जितने भी जनता है, रामगढ़ की जितनी भी जनता है, सब जनता समझदार है। और आप जैसे केवल चुनाव प्रचार करने से आपको कोई वोट नहीं देने वाला है, चाहे कोई भी पार्टी हो, JBKCS रहे या फिर जो कोई भी पार्टी हो। अभी यहाँ की जो भी जनता है बहुत सोच समझदार तेज भी हो गई है। आज खास कर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का युग है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब कोई सभी लोगों की नज़र में है। आप देखिएगा कि प्रत्येक परिवार में एक ना एक परिवार के सदस्य के पास बड़ा मोबाइल होता है और उसमें सारा जो मान लिया जाए गोला प्रखंड में क्या हो रहा है, फिर रामगढ़ प्रखंड में क्या हो रहा है, या फिर दुलमी चितरपुर, जहाँ भी हो, प्रत्येक प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर के पूरा राज्य स्तर का आप समाचार देख सकते हैं एक मिनट में। इसलिए वो दौर नहीं रह गया कि आप चुनाव प्रचार करके चुनाव जीत जाएंगे। सो अगर आपको चुनाव जीतना है, अगर आपको JBKCS को मजबूत करना है, तो आपको जन आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। बस यही सोच विचार के साथ हमने, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आपने कहा भी कि आप अकेले हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों के नज़र में सब कुछ है, मीडिया के नज़र में कौन क्या है, नहीं का क्या है और क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो सोच और विचार है, हम JBKCS के सक्रिय साथी अपने आप को कहते हैं या फिर सक्रिय सदस्य कहते हैं, तो मेरा हमें हर संभव मेरा कोशिश रहता है कि JBKCS को दिन रात सींच करके हम सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करना चाहते हैं। दादा, आप अकेले लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यदि यहीं पे यदि JBKCS का कोई कमेटी विस्तार हो या फिर पंचायत कमेटी का विस्तार हो, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है 100 लोग पहुँचे, 200 लोग पहुँचे, लेकिन लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन यदि वही किसी लोगों का हक अधिकार की बात करें, तो दादा आपके जो JBKCS में और भी सदस्य होंगे, आप उनसे इन्फॉर्म करते होंगे, जैसे कि कहीं पे कोई मामला आपके पास आता होगा, क्या कि आप अनेक जो भी मामले हैं उनको सॉर्ट आउट आप किए हैं, तो लोग आशा उम्मीद रखे हैं, तभी आपको फोन ऑन करते होंगे। तो आप जो भी प्रखंड के हों या फिर पंचायत के हों या फिर जिला के हों, आप उन्हें सूचित करते होंगे कि इस तरह का मामला है, तो क्या वो आपके समर्थन नहीं करते हैं? देखिए, हम तो आपको स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि जो भी हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव का जो राव राव का चावल वाला मामला था, उस विषय पर हमने 2 बार बैठक भी बुलाया था और प्रखंड स्तरीय बैठक हम लोग बुलाए थे और सभी लगभग प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी से लेकर के सभी सदस्यों को हम लोगों ने सूचित किया था और बैठक भी हो गया था। लेकिन देखिए, हम लोग ये हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि भाई, गरीब लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं। साधारण आप देखिएगा बोलचाल की भाषा में कि मनरेगा में कुआं में या फिर मनरेगा का जो भी योजना हो, बहुत ही धांधली हो रही है, बहुत ही मैंने घूस लिया जाता है, मोटी रकम लिया जाता है फिर योजनाओं को दिया जाता है, या फिर कुआं का हो, मेटेरियल राशि के नाम पर अग्रिम भुगतान किया जाता है, मैंने पैसा लिया जाता है, डायरेक्ट हम कहें खुले तौर पर घूस लिया जाता है, तब काम होता है। तो इस तरीके से हमने कहा कि भाई, हमारे प्रखंड स्तर में जो भी समस्याएं होती है, जो भी भ्रष्टाचार है, उस विषय पर हम लोग को प्रखंड स्तर में हम लोग को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हम स्पष्ट तौर पर कहें तो कई साथियों ने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं सो, आप ये सब मत करिए, नहीं तो हम लोग पर FIR कर दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जैसे इस तरीके से बहुत सारे साथियों का राय मशविरा आया और कुल मिला करके आंदोलन के लिए जो हम लोगों ने रखा, हमने सबों के सामने जो बात को रखा, उस बात को पोस्टपोन कर दिया गया और कुल मिला करके आंदोलन के लिए स्पष्ट यही बोले कि सब मत कीजिए, फिर केस हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए कोई नहीं साथ में। मैंने आंदोलन के लिए तो 2-2 बार बैठक की, लेकिन कहाँ, घेरा उराव में तो नहीं आए। दादा, अभी तक रामगढ़ में ऐसा कोई चेहरा नहीं आया हुआ है कि जो विधायक बन सके, तो कोई भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो अचानक से किसे JBKCS का विधायक बनाया जाएगा? देखिए, कुल मिलाकर के हम तो आपको यही कहेंगे कि आंदोलन कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सबों के नज़र में है। हम भी JBKCS के साथी हैं और भी JBKCS के साथी लोग हैं और हमारे टाइगर जयराम दा जो हैं, हम लोग के JBKCS के जो सुप्रीमियो है, उनको भी सारा चीज़ नज़र में है, वो देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आने वाला जो टाइम होगा कि इनको बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, ये तो हम सर्वे सर्वा अधिकृत वही जयराम दा को ही करेंगे। उनको जो लगेगा कि सही मायने में उनको दिखेगा, और कुल मिलाकर के हम आपको स्पष्ट कहेंगे कि जयराम दा इतने अनुभवी हैं, इतने संघर्ष किए हुए हैं, खास करके आंदोलन का पैदाइश है, उनका खून में आंदोलन है, तो वो अब सारा उन्हीं के हाथ में रहेगा कि भाई किसको विधायक का यहाँ से वो चुनाव लड़ाएंगे, वो तो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार है, और सही मायने में राजनीति इसलिए होता है, राजनीति में हम इसलिए आए हैं कि लोगों को जहाँ तक हो सके लोगों की समस्याओं का निदान करना, ये नेता का मतलब ही वही होता है कि जो लोग पीड़ा से ग्रसित हैं, जो लोगों का अनाज काटा जा रहा है, जो लोग को कुआं में ठगा जा रहा है, जिसको तालाब में ठगा जा रहा है या फिर आवास में ठगा जा रहा है, इस तरीके से जो भी योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन की हो, विधवा पेंशन की हो, चाहे अन्य जितनी भी योजनाएँ हैं,
जहाँ से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए ही तो नेता बनते हैं। इसलिए कुल मिला करके मेरा पूरा कहना यही है, जब तक जिएंगे जनता के लिए जिएंगे, जब तक काम नहीं करेंगे तो जनता हमको क्यों वोट देगी? मेरा मुंह देख के वोट थोड़े देगी, जेबी केसेस को मुंह देख के वोट थोड़े देगा। मान लिया जाए जयराम दा हमारे काफ़ी संघर्षशील हैं, इसको 200 तो किया, 1000% भी लोग इसको सत्य साबित कहेगा, लेकिन कुल मिला करके हमारे यहाँ की जनता जो वोट देगी वो तो देखेगी ना कि हमारे लिए कौन क्या क्या नहीं किया। इसलिए जनता के लिए तो हमेशा हम आपको पुनः एक बार कहते हैं कि जनता की जन समस्याओं के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो गोली तक खा जाएंगे, लेकिन समस्याओं का तो समाधान करेंगे ही। अभी आपने देखा कि किसान हाईस्कूल जो गोला का है उसका समस्या आया है, हमको संज्ञान में आया कि 2 कमरा आवंटन हुआ 2018 में सांसद मत से, लेकिन अभी तक उसका ढलाई नहीं हुआ है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए हम अपने स्तर से जहाँ तक हो सके इस पर संज्ञान में हम लोग लिए हैं, और ज़रूरत पड़ेगा तो ये प्रखंड ही तो क्या, ये हम लोग जिला नहीं राज्य में भी हम लोग इस पर अनशन के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन शिक्षा का मंदिर का जो बात है जो विषय है उस पर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसको इसी तरीके से लेकर के जितना भी समस्या हो, ऐसा बात नहीं, अभी जैसे आपने राशन का मामला को देखा कुछ दिन पहले, जैसे पानी टंकी का बात था, या फिर बहुत सारे कुआं में ब्लीचिंग फ्लीचिंग इस सब का, सारी जो भी हम लोग से खास करके हमसे जहाँ तक हर संभव हो सकता है हम दिन रात एक करके, हम कोशिश मेरा यही रहता है कि लोगों के लिए हम 100% दें, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है कि हम लोग एक साधारण कहे तो गरीब परिवार से आते हैं, कुल मिला करके हम खुद खेती बाड़ी करके ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए लोगों को अपेक्षा के अनुरूप लोगों को समय नहीं दे पाते हैं, चूँकि यहाँ की जनता बहुत परेशान है, बहुत सारी समस्याएँ हमारे पास आई हुई है, बहुत लोग फ़ोन करके बुलाते भी हैं कि आइए मेरा देखिए ज़मीन में रसीद के लिए पैसा बहुत ज़्यादा मांग रहा है, या फिर खतियान का डुप्लीकेट निकालने के लिए बहुत सारा पैसा मांग रहा है, या फिर यहाँ पर DP भरने के लिए बहुत पैसा मांग रहा है। लेकिन दुख हमको भी लगता है कि सारे लोगों के मैंने डिमांड के आधार पर हम पहुँच नहीं पाते हैं, चूँकि मेरे पास भी पैसा नहीं है, तेल भराने के लिए बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है, 2-4 रुपया का सब्जी उब्जी उगाते हैं फिर उसको बेचते हैं, फिर तेल उल भरते हैं तो फिर कहीं कहीं जाते हैं, कुल मिला करके जैसे महीना में अगर हमको 20-25 दिन लोग बुलाते हैं तो मुश्किल से हम 8-10 दिन जा पाते हैं, क्योंकि हम लोग का मेरा खुद का एक रवैया रहा है आज तक कि कोई भी आदमी को काम के बदले हमने 1 रुपया तक नहीं लिया है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि काम करवाने के बाद में पैसा ले लेते हैं, हमने पैसा आज तक 1 रुपया तक नहीं लिया। हाँ, बात जो होता है कि चाय पकौड़ी का बैठ के अगर वो एक प्रेम भाव की बात होती है, लेकिन कारण यही कि बहुत सारी समस्याओं का मैंने निष्पादन हम नहीं कर पाए हैं, चूँकि हम समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक हो सके समय, जहाँ तक सक्षम होता है हर संभव जो कोशिश होता है, ज़्यादातर जैसे ही मान लिया जाए आप गाड़ी में मेरा तेल ही नहीं तो हम किसको बताएं कि मेरा गाड़ी में तेल नहीं है, इसलिए हम ऐसा कुछ बोलते भी नहीं है। इसलिए कुछ कुछ लोगों के एक समस्या को लेकर हम नहीं जा पा रहे, जैसे आपको एक बताते चलें कि जैसे हमारे ही जैसे JBKSS के एक साथी हैं जो अरगड्डा सिरका से हैं, उन्होंने भी हमको कहा था कि भैया इधर भी राशन का बहुत सारा मामला है और इस पर भी आप थोड़ा सा आइए, जैसे आपने उधर जो गोला प्रखंड में लोगों को अनाज दिलाया इधर भी 5 किलो करके अनाज काट रहा है तो आप आइए इस पर थोड़ा सा आई कीजिए। उसी तरीके से चितरपुर से भी एक साथी ने कहा था कि हमारे यहाँ भी बहुत सारा चावल वावल काट रहा है, लेकिन दुख की बात है कि गाड़ी में तेल न होने के कारण बहुत सारे लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ ऐसा बात नहीं है, आने वाले समय में कोशिश रहेगा कि जिस तरीके से भाई लोग हैं साथ में 2-4 रुपया चंदा करके इकट्ठा करके गाड़ी में तेल डाल करके चला भुला हो रहा है, और जहाँ तक हो सके हम लोग जाएंगे ही, लेकिन कुल मिला करके यहाँ की जनता जो है हमेशा देख रही है, एकटक निगाहों से देख रही है, आशा भरी निगाहों के साथ देख रही है कि कोई आएगा जो गरीबों के लिए मैंने समस्या का समाधान करेगा। दादा हम देख रहे हैं कि हम पूरे झारखंड राज्य की बात करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा यदि टाइगर जयराम महतो की सभा के हैं या फिर लोगों को जागरूक करने की बात के हैं वो आपका रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र आता है, लेकिन इतने सारे समस्याओं का सामना आप अकेले कर रहे हैं। लोगों का पता नहीं क्या जो अपना सोच होगा, हो सकता है बहुत ऐसे लोगों को जयराम भैया का बात सुनने के लिए जाते होंगे, या फिर हो सकता है सभा को मेला समझ के जाते होंगे, भगवान जाने, हमको तो समझ में नहीं आता है क्यों जाते हैं नहीं जाते हैं वो जाने, लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए तो जयराम भैया जो आते हैं क्यों आते हैं, जनता की समस्याओं को समाधान करने की ही बात करने के लिए आते हैं, लेकिन इसको हम सभी को सोचना होगा कि आखिर वो क्यों आए, वो यहाँ आकर के क्या बोले और यहाँ से क्या बोल करके गए, हम लोग को करना क्या चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। वो कोई मेला थोड़े है, जो जयराम भैया गोला है तो यहाँ लाखों का भीड़ हो गया, रामगढ़ आए तो लाखों का भीड़, ठीक है भीड़ होना चाहिए अच्छी बात है, खुशी लगता है, लेकिन उस भीड़ के अनुरूप काम होना चाहिए। वहाँ जो भीड़ रहते हैं आप देखिए एक एक गांव में उठा करके हम आपको बताएंगे तो एक एक गांव में हजारों हजार समस्याएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो 80 वर्ष के, बहुत ऐसे लोग हैं जो 80 वर्ष के हो गए हैं लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है,
15 साल 20 साल मैंने विधवा हुआ हो गया लेकिन विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये समस्याओं को काम करना हम लोग को चाहिए। हम लोग का ये फर्ज है कि हम जनता की समस्याओं को सॉर्ट आउट करें, ना कि वहाँ क्या बोलें, हम भीड़ करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जनता अगर वहाँ भीड़ में जाती है, उतना आपको हजारों लाखों का जो भीड़ दिख रहा है वो जयराम को सुनने के लिए जाते हैं, बाकी वहाँ कौन बैठ रहा है उसके बगल में उसको देखने के लिए कोई नहीं जा रहा है। लेकिन दादा फिर भी तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए था। लगातार इतने दिनों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बता रहा है कि कहीं डीसी कार्यालय में कुछ हो रहा है, कहीं एसपी से ऐसे बात करना है, थाना प्रभारी हम लोग का नौकर है तो फलना है, तो उसके बावजूद भी लोग अभी तक तो डरते ही हैं। 3 साल आंदोलन होने को चला, उसके बावजूद भी लोगों में सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाके नारा लगाते कि आपका अगला सीएम टाइगर जयराम महतो होगा। तो नारा लगाने से टाइगर जयराम महतो को सीएम हम देख पाएंगे क्या? देखिए हम आपको स्पष्ट कहेंगे, ये नारा से आज तक कुछ हुआ नहीं है। नारा नहीं, नारा जिस तरीके से आप देते हैं वैसा मेहनत करना होगा, पसीना बहाना पड़ेगा। बिना पसीना का यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सीएम बना देने, सीएम हम तो बोल देंगे कि नहीं जयराम दा को पीएम बना देना, तो बोलने से होगा? कुछ नहीं होने वाला है। काम करना होगा, धरातल में उतर करके आप देखिए, अपने वहाँ नारा लगाने से अच्छा तो है आप अपना गांव में देखिए ना, अपना टोला में देखिए ना कितना समस्या है। उस समस्या को लेकर के कार्यालय में जाइए, अगर ब्लॉक का अगर जाने तक का है तो आप ब्लॉक में जाइए, अगर जिला में जाने का है तो जिला में जाइए। उस तरीके से वो सिस्टम पर आप आइए, फॉलो कीजिए। वो जनता वो चाहती है, जनता भीड़ से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुल मिला करके अगर हम लोग को जेबी केसेस को मजबूत बनाना है, हम लोग भैया को सीएम के रूप में अगर देख रहे हैं तो वो उस लायक हैं, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम उस लायक होंगे तब ना हम उस कुर्सी में उसको बैठाएंगे, इसलिए हमको भी तो मेहनत करना है, हमको अपना मेहनत देखना है। जयराम भैया अगर हम उसको मुख्यमंत्री कैसे बैठाएंगे, यहाँ पर 42 को विधायक होगा तब ना हम उसको मुख्यमंत्री पर बैठाएंगे। तो 42 को विधायक जीतने के लिए मुँह चेहरा देख के, मेरा चिकन चेहरा देख के वोट थोड़े देगा, वो काम देखेगा। इसलिए 42 को विधानसभा चुनाव जीतना ये आम बात नहीं है, इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं को उस विषय पर चिंतन मंथन करके काम करना होगा, जन समस्याओं को लेकर के आगे जाना होगा। हम तो बार बार आपको बोल रहे हैं कि जब तक आप जन समस्याओं को लेकर के नहीं जाइएगा, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कीजिएगा, तो आपको वोट देने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा थोड़े कि चमत्कार हो जाएगा कि फलना खड़ा हो गया जीत गया। काम देखना चाहिए, काम आपका दिखेगा, लोग चाहेंगे कि मेरे लिए ये क्या किया है, जो जयराम भैया जो जिनको टिकट दिए वो मेरे लिए क्या किया है, उसको देखेंगे। चेहरा देख के कहीं वोट होने वाला नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा धरातल में जो काम हो रहा है या धरातल में जो काम होना चाहिए उस पर जनता की निगाहें है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हवाई फायरिंग से कुछ होने वाला नहीं है, डायरेक्ट निशाना लगा के गोली मारना होगा तब शिकार होगा, वहाँ ऊपर में मार देने से चिड़िया थोड़े मरने वाली। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी हमारे साथ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोर कमेटी सदस्य, जिला कोर कमेटी के सदस्य पांडव कुमार महतो जी थे, इनसे हमारी बातचीत हुई और इन्होंने बताया, और इनसे हमने यही चीज़ जाना कि लगातार ये अकेले आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो गरीबों के लिए लड़ना हो या फिर एसटी के ब्लॉक में धरना देना हो या फिर अन्य कोई भी मुद्दा हो, लगातार अकेले आंदोलन कर रहे थे। वही चीज़ हम देखें और इनसे हमने जानने का कोशिश किया कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो की इतनी सभा होने के बावजूद, इतने लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी आप लोगों के हक अधिकार के लिए अकेले ही लड़ रहे हैं, यही चीज़ इनसे बातचीत हुई। खैर क्या कुछ हुआ आप लोगों ने तो वीडियो में देखा ही, और आपके क्षेत्र में भी किस प्रकार से जेबी केसेस की तैयारियां चल रही है कमेंट में जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।